जो आए हैं नामांकन में, इनके अंदर क्या खासियत है? इनके अंदर है जो गरीब को देखता है बहुत, जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं 20 साल से, जो इसको कोई चीज का कमी नहीं है, दुख सुख में हर आदमी को साथ देता है, कहीं किसी को क्या हुआ वहाँ दौड़ के अपना पैसा लगा देता है। कभी आप देखे हैं? हाँ, क्या देखे हैं? हम देखे हैं जो हम हरियासराय में काम कर रहे थे हाउसिंग बोर्ड में, एक आदमी को चोट लगा ये लेके अपना भागा हॉस्पिटल लेके और अपने पैसा लगा के अपना उसको ठीक किया। तब से आप इनके साथ? हाँ, एक आदमी को गर्मी लगा गिर पड़ा, उसको ठंडा लगा पिलाया पहले। कौन? हमारे जी जिला जी। कहाँ के रहने वाले हैं ये? है सोहरा जी। आप? हम माखनपुर का। पंचायत कौन सा आपका? हमारा 11 नंबर। इनको पंचायत पंचायत इनको क्या कहना चाहते हैं? इनको यही कहना चाहते हैं जो इनको हम खराब सभी आदमी माखनपुर के इनके साथ है। हमला देखिए खा रहा है। पाग पहनकर अमरनाथ झा पहुंचे नामांकन कराने। जी हां, हम बात कर रहे हैं हायाघाट प्रखंड के आनंदपुर सहरा पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार अमरनाथ झा का जोरदार स्वागत। सबसे पहले गांव के बुजुर्गों ने किया है माला पहनाकर, अबीर लगाकर सम्मानित उन्हें किया गया है, उन्हें आशीर्वाद दिया गया है। आज नामांकन उन्होंने मुखिया पद के लिए अपना उम्मीदवारी पेश किया है आनंदपुर सहरा पंचायत के लिए। उसके बाद जो बुजुर्गों ने स्वागत किया, उसके बाद जो नौजवान थे उन्होंने इनका स्वागत किया है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि जब गांव से निकले भगवान का पूजा आशीर्वाद करते हुए, वहां से सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली और लोगों के साथ अमरनाथ झा हायाघाट प्रखंड पहुंचे। वहां पर उन्होंने नामांकन किया। नामांकन करने के बाद सभी का पांव छूकर आशीर्वाद लिया। उसके बाद लोग उन्हें जो बच्चे थे वो भी। आइए हम आपको इंटरव्यू सुनाते हैं, खासकर जो अमरनाथ झा ने हमसे बात करते हुए क्या कहा है, देखिए पूरा कवरेज। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को करिएगा भारत उदय समाचार को देखते रहने के लिए। वैसे इस खबर को सभी लोगों तक शेयर कीजिए जैसे कि उनके समर्थकों तक खबर पहुंच पाए लोगों तक। वैसे आपको बता दें कि अमरनाथ झा का व्यक्तित्व मिलनसार रहा है, सभी लोगों के साथ उनका बातचीत रहा है। जन वितरण प्रणाली सहोड़ा में चलाते हैं अपने गाँव में ही, और इस वक्त सरकार का जो एक आदेश आया है उस अनुसार जो भी लोग अगर इसमें उम्मीदवार पेश करेंगे तो उनका जो जन वितरण प्रणाली है वो दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएगा चुनाव तक, ऐसी भी खबर आई है। वैसे बता दें कि जब देखने की बात है कि अमरनाथ झा को उनके पंचायत के लोग कैसे आशीर्वाद दे पाते हैं और वो कैसे अपने लोगों के विश्वास पर खरा उतरेंगे, देखिए पूरा कवरेज। पंचायत का मुखिया कैसा हो? अमरनाथ झा जैसा हो। आज यहाँ पर जो नामांकन किए हैं, किस पद के लिए किए हैं और किस कौन से गांव से आए थे आप? पंचायत मेरा आनंदपुर सहरा हुआ, नाम अमरनाथ झा, मुखिया पद के लिए नामांकन किए हैं। क्या क्या उद्देश्य के साथ किए हैं नामांकन? मेरा उद्देश्य है गांव का विकास, समाज का विकास, सामाजिक सौहार्द, वातावरण जो मेरे गांव में गलत दिशा में जो मेरा गांव चला जा रहा है, समय जो मेरे गांव का जो स्थिति माहौल खराब है उसको ठीक करना है, और नियम कानून के तरह सभी समाज के लोगों को इज्जत देना है, सम्मान देना है, सबको समझा बुझा कर सबको साथ लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास। ये बताएं कि इससे पहले आप क्या थे? इससे पहले हम 35 वर्ष जन वितरण प्रणाली के विक्रेता हैं, 35 वर्ष से जनता का सेवा किए हैं, लोगों से मिले जुले रहते हैं, सुख दुख में हाजिर रहते हैं, सबसे मेरा प्रेम है, स्नेह है, सभी वर्गों का मुझे सम्मान मिलता है, सभी वर्गों से मैं मिला जुला हूँ। तो इस वक्त जो नामांकन करने के बाद आपने क्या सोचा है पंचायत के लिए? पंचायत के विकास के लिए सोचा हूँ। एक बार मुझे मेरे मन में आया कि अब बहुत दिन जन वितरण प्रणाली चलाए हैं, एक बार अगर मौका मिलता तो हम समाज का सेवा करते। आपके नज़र से पंचायत कैसा होना चाहिए? जी आपके नज़र से जी पंचायत कैसा होना चाहिए? मेरे नज़र से मेरा पंचायत सर्वोपरि होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, मेरा नाम हो मेरे पंचायत का। जी और इतना जन समर्थन आपको मिल रहा है, सभी वर्गों का, जी सभी वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, इनके लिए क्या कहना चाहते हैं जनता के? सभी वर्गों को सम्मान मिलेगा, सभी वर्गों को साथ लेकर चलना है, गरीब का ज़्यादा सेवा करना है,
जो महिलाएं घूंघट में रहती हैं घर में, हर एक परिवार को साथ लेकर चलना है, सबको सम्मान देना है और जनता का सेवा करना है, जनता का सेवक बन के रहना है, मुखिया बन के नहीं रहना है। पूरा नाम आपका? मेरा नाम हुआ अमरनाथ झा। और नामांकन किस के लिए, किस नाम से? पद के लिए किए हैं? किस नाम से? अमरनाथ झा नाम से।